Hello everyone, now we are going to study about first normal form means 1NF. अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टेबल को कंसिडर करेंगे, सेकेंड टेबल को कंसिडर नहीं करेंगे. तो कोई भी टेबल 1NF में कब होता है? नंबर वन, जब ऑल रोज यूनिक हो, मीन्स डुप्लीकेट रोज ना हो. यदि हम इस टेबल के अंदर देखें जिसको हमको कंसिडर करना था, ये रो यूनिक है, दूसरी रो ऐसी नहीं है, ये रो भी यूनिक है, दूसरी रो ऐसी नहीं है. अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑल कॉलम्स यूनिक. तो सब्जेक्ट नाम का कॉलम दूसरा है क्या? नहीं है. नेम नाम का कॉलम दूसरा है? नहीं है. रोल नंबर नाम का कॉलम दूसरा है क्या? नहीं है. तो ऑल कॉलम भी कैसे है? यूनिक. अब यदि हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, नो सेल कंटेन्स मोर देन वन वैल्यू. किसी भी सेल में एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए. तो हम चेक करते हैं, इस सेल में एक ही वैल्यू है 010, यहाँ भी एक ही वैल्यू कुणाल नाम की, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू है, एक का नाम है OS, दूसरे का नाम है DBMS. एंड थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड नहीं हो रही, डेट मीन्स ये टेबल 1NF के अंदर नहीं है. अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट NF के अंदर. देखिए हम लोग क्या करते हैं इसके लिए. कौन सी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम दे रही थी? ओनली थर्ड वाली, मीन्स इस सेल को हमको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है, ओके, यहाँ से देखिए एक OS नाम का सब्जेक्ट एक रो में आ जाएगा नीचे, और DBMS नाम का सब्जेक्ट दूसरी रो में आ जाएगा. तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक रो एक्स्ट्रा क्रिएट की जिसके अंदर हमने क्या पुट कर दिया, DBMS नाम का सब्जेक्ट. अब यदि आप चेक करिए, सभी रोज यूनिक है क्या? यस, ये रो भी यूनिक है, भले रोल नंबर और नेम सेम हो, बस सब्जेक्ट तो अलग अलग है, ओके, ये दोनों डिफरेंट है, यानी रोज कैसी होगी? यूनिक. यदि कॉलम देखें तो सारे कॉलम भी कैसे है यहाँ पर? यूनिक है. अब हम लोग बात करते हैं, नो सेल कंटेन मोर देन वन वैल्यू, तो सभी सेल्स के अंदर कैसी वैल्यू है? सिंगल वैल्यू है, तो ये कहलाता है 1NF. अभी हमने यहाँ पे एडवांटेज देखे, क्या एडवांटेज मिला हमको यहाँ पे? हमको एडवांटेज ये मिला कि किसी भी सेल में एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, सभी रोज यूनिक थी, सभी कॉलम्स यूनिक थे. यदि हम डिसएडवांटेज की बात करें तो हमको डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या मिलेगा? तो इसका डिसएडवांटेज है डुप्लीकेसी. डुप्लीकेसी मीन्स कैसे? देखिए रोल नंबर दो बार आ गया, नेम भी डबल आ चुका है, तो डुप्लीकेसी होती है. इसको हटाया जाता है 2NF के अंदर. तो नेक्स्ट लेक्चर डे में हम देखेंगे 2NF के बारे में. यदि कोई भी डाउट हो आपकी तरफ से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा डाउट को सॉल्व करने की. थैंक यू सो मच.